जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम जान रहे हैं कि किस तरीके से विजयनगर की जो डिटेल्स थी उसके बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स थे इनको एक किलानुमा एरिया के अंदर क्यों बनवाया जाता था। पहले क्या होता था, जो मोटिव होता था घेराबंदी करने का, बेसिकली अगर आप किसी टाउन की घेराबंदी कर लोगे तो आपका पर्पस क्या है कि आप अपने जितनी भी उसकी सप्लाईज हैं उनको बंद रोक दोगे, तो वो आदमी भूख से इतना ज्यादा परेशान कर दोगे कि फाइनली वो सरेंडर कर दे। यही मोटिव होता था। अब क्या था, ये जो घेराबंदी है ये कई महीनों भी चल सकती है, कई सालों भी चल सकती है। तो पहले क्या होता था, जो रूलर्स थे वो अपने आप को तैयार रखते थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लोग बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज जो है अपने किलानुमा एरिया के अंदर बनवा लेते थे। लेकिन जो रूलर्स थे विजयनगर के, उन्होंने एक और ज्यादा महंगा और थोड़ा बड़ा तरीका सोचा कि अपनी जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट है उसी को ना बचा लिया जाए, कि वो हमारी सप्लाई क्या कट करेंगे, जब वो हमारे इलाके के अंदर ही आ रही है तो सप्लाई कट वो कर ही नहीं सकते। तो जो सेकेंड लाइन थी किले नुमा दीवारों की, वो जो अर्बन कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर जाती थी, उसके पूरे इनर कोर को कवर किए हुए थी। और जो तीसरी लाइन थी वो रॉयल सेंटर के चारों तरफ थी, जिसमें हर एक सेट जो बड़ी बिल्डिंग्स का था, खास बिल्डिंग्स का, वो अपनी ही ऊंची ऊंची दीवारों से ढका हुआ था। किले में जो एंटर किया जाता था वो एक ऐसे गेट के थ्रू किया जाता था जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित थे, उनके ऊपर गार्ड रहते थे और वो शहर को जो है इन बड़ी बड़ी मेजर रोड से जोड़ता था। गेटवेज जो बनवाए जाते थे वो बहुत ही ज्यादा खास आर्किटेक्चरल फीचर्स के द्वारा बनवाए जाते थे, और इसी वजह से उन स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता था कि उससे जो है एक्सेस जो है वो आसानी से रेगुलेट करी जा सके। जो आर्च बनवाया जाता था गेटवे का, वो जो है इस किलेनुमा सेटलमेंट के अंदर ले जाता था। साथ ही साथ जो डोम बनवाया जाता था गेट के ऊपर, उसको माना जाता था कि एक टिपिकल फीचर है आर्किटेक्चर का, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था तुर्किश सुल्तानों ने। जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं वो इस स्टाइल को जो है इंडो इस्लामिक मानते हैं, क्योंकि ये लगातार ग्रो हो रहा था, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा था लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस का अलग अलग इलाकों के अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है जो सड़कें थी शहर के अंदर और जो बाहर आ रही हैं उनका भी काफी अध्ययन किया। उनको जो है एक तरह से ट्रेसिंग पाथ के तौर पर माना जा रहा है, जो गेटवेज के थ्रू होकर आती थी, और साथ ही साथ पेमेंट्स भी जो है मिले हैं, यानी जो किनारे पब्लिक के चलने के लिए होते हैं वो भी पेमेंट्स मिले हैं। रोड्स जो है वो जनरली वैलीज के अराउंड थी, और वो जो रॉकी इलाका है यानी पथरीला इलाका है वहां पर नहीं थी। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी वो टेम्पल गेटवे से निकलकर और बाजार जो है वहां तक थी। अगर हम इन रोड से गुजरते हुए अर्बन कोर की तरफ जाएं तो बहुत कम आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं उन लोगों के जो साधारण थे और उनके मकानों के बारे में, मतलब कोई ऐसे सबूत नहीं मिल रहे कि जो साधारण लोग जिन घरों में रहते थे वो कैसे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है जो चाइनीज पोर्सलिन होती है वो कुछ इलाकों में मिली, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर जो अर्बन कोर का था वहां पर मिली, और उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है रिच ट्रेडर्स रहते होंगे। यहाँ पर मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी थे, टूम्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, इनके जो है अलग अलग फंक्शंस थे। तब भी इनका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल मंडप के जैसा था, जैसा कि टेंपल्स हम्पी में है उनके जैसा बना हुआ था। अब जो 16 सेंचुरी पोर्तुगीज ट्रेवलर थे बारबोसा, उन्होंने जो साधारण लोग के घर थे उनको डिस्क्राइब करते हुए कहा है, जो बचे नहीं बिल्कुल भी, कि जो बाकी घर थे लोगों के वो थैश्ड होते थे, यानी कि जो झोपड़ी नुमा होते हैं वैसे होते थे, लेकिन बहुत अच्छे से बने हुए थे और जिस तरह का वो काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग उनके घर बने हुए थे। और साथ ही साथ बहुत लंबी लंबी सड़कें भी थी, साथ ही साथ काफी खुली जगह भी थी। जो फील्ड सर्वे हुआ है वो ये बताता है कि पूरा इलाका जो था उसमें बहुत सारी मूर्तियां थी, छोटे छोटे टेम्पल्स थे, और ये इससे पता चलता है कि उस टाइम पे कितनी वैरायटी थी लोगों की, और कितने लोग जो है अलग अलग रिलीजन्स को मानते थे, अलग अलग सपोर्ट जो है उनको मिलता था कम्युनिटीज के द्वारा। जो सर्वे हैं वो ये भी बताते हैं कि जो वेल थे, रेन वाटर टैंक्स थे, साथ ही साथ टेम्पल टैंक्स जो हैं उन्होंने भी एक तरह से पानी के सोर्स का काम किया, जो वहाँ के साधारण टाउन में रहने वाले लोग थे उनके लिए। जो रॉयल सेंटर था वो पूरी तरह से साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था।
अब क्योंकि इसको जो है रॉयल सेंटर नाम दिया गया है, इसके अंदर लगभग 60 मंदिर थे। जो सहायता थी इन टेंपल्स को या कल्ट्स को इसलिए इम्पोर्टेंट थी या दी जाती थी रूलर्स के द्वारा, क्योंकि वो खुद कोशिश कर रहे थे कि अपनी अथॉरिटी को जो है वो दर्शा सकें कि एक तरह से उनकी जो अथॉरिटी है वो डिवाइन अथॉरिटी है, उनका जो एसोसिएशन है वो जो भी मंदिर में देवी देवता है उनसे एक तरह से मिला हुआ है। इसी वजह से वो जो है और ज्यादा सपोर्ट करते थे इस तरह के टेम्पल्स को बनवाने की। लगभग 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनको पैलेस के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे और ऐसा नहीं लगता कि ये जो है जो वहाँ के रिचुअल फंक्शंस होते होंगे उनके साथ जुड़े हुए थे। एक जो खास डिफरेंस देखने को मिलता है इन स्ट्रक्चर्स के बीच में और टेम्पल्स के बीच में कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये पूरी तरह से मेसनरी के बने हुए थे, जबकि जो इनके सुपर स्ट्रक्चर्स थे सेक्युलर बिल्डिंग्स के वो उस मटेरियल से बने थे जो शायद जल्दी खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं महानवमी डिब्बा की। इस इलाके में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं वो पाई जाई जो जिनके हम नाम कह सकते हैं दिए गए थे उनके बिल्डिंग के आधार पे, या वो जिस तरह का फंक्शन कर रही थी उसके बेसिस पे जो है उनको नाम दिए गए थे। अब जैसे जो राजा का पैलेस था वो सबसे बड़ा था इन सब जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसमें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें यही रॉयल रेजिडेंस था। उसमें दो बहुत ही प्रभावशील प्लेटफॉर्म्स थे, एक को बोलते थे ऑडियंस हॉल और एक था महानवमी डिब्बा। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है डबल वॉल से ऊंची ऊंची जो है कबर्ड था, जैसे कह देते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ था और उनके बीच में जो है एक सड़क दौड़ रही थी। ऑडियंस हॉल जो है वो एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म था जिसमें स्लॉट्स बने हुए थे जहां पर वुडन पिलर्स खड़े हो सके बिल्कुल पास पास और रेगुलर इंटरवल पे। एक स्टेयरकेस थी, सीढ़ियां थी जो सेकंड फ्लोर तक जाती थी, जिस पर ये जो सेकंड फ्लोर है वो पिलर्स पर रेस्ट कर रहा था। अब पिलर्स जो हैं वो बहुत ही पास पास लगाए थे, इसकी वजह से बहुत ही कम फ्री स्पेस, तो ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में ये जो हॉल था इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। एक शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर स्थित जो था वो था महानवमी डिब्बा। वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसका बेस जो है लगभग 11,000 स्क्वायर फीट के करीब था और जा रहा था हाइट लगभग उसकी 40 फीट तक। ये जो है इसका जो सबूत मिला है कि ये एक वुडन स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा था। बेस जो प्लेटफॉर्म का था वो जो है जो कार्विंग्स होती हैं, लोकल कार्विंग्स जो होती है उनके द्वारा कवर किया गया था। जो भी इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रीति रिवाज थे या जो प्रथाएं थी वो शायद महानवमी से ही रिलेटेड थी, यानी कि जो 10वां दिन होता है हिंदू फेस्टिवल का ऑटम के महीने में सितंबर और अक्टूबर के बीच में, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, दशहरा नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, दुर्गा पूजा बंगाल में बोलते हैं, या नवरात्रि और महानवमी जो है ज़्यादातर बोला जाता है। तो इस टाइम पे जो विजयनगर के राजा होते थे वो अपनी जो ताकत है, अपनी पावर है, अपना एक जो कंट्रोल है और राज्यों पे, वो इस ओकेजन पे दर्शाते थे। अब जो सेरेमनीज इस ओकेजन पे परफॉर्म करी जाती थी उसमें जैसे इमेज जो है उसको पूजना, या जो स्टेट के घोड़े हैं उनको पूजना, बफेलो जो होती हैं या और जो बाकी जानवर यानी भैंसे हो गए और जो बाकी जानवर हो गए उनकी बलि देना, ये सब चीज़ें जो हैं सेरेमनीज इस पर होती थी। फिर इसके अलावा डांस होते थे, कुश्ती के मैचेस होते थे, या जो घोड़े हाथी रथ ये सब जो हैं इनको खूब सजा के उसका जुलूस निकलता था, साथ ही साथ सिपाही निकलते थे। इसके अलावा बहुत सारी और प्रथाएं होती थी जो किंग के सामने परफॉर्म करी जाती थी, उनके गेस्ट जो हैं वो परफॉर्म करते थे, या जो क्या कहते हैं चीफ नायक हैं सबॉर्डिनेट किंग्स हैं वो सब आते थे। तो एक तरह से ये जो ओकेजन था वो काफ़ी स्पेशल हो जाता था। ये जो भी सेरेमनीज होती थी इनका एक बहुत गहरा सिम्बॉलिक मीनिंग होता था। जिस दिन लास्ट डे होता था फेस्टिवल का उस दिन जो राजा है वो अपनी आर्मी का इंस्पेक्शन करते थे, साथ ही जो नायक होते थे उनकी आर्मीज का भी इंस्पेक्शन करते थे एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेरेमनी के तौर पे खुले मैदान में। इस ओकेजन पे जो नायक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स या खास तौर से किंग के साथ जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रिब्यूट को लेकर आते थे। पर क्या ये जो महानवमी डिब्बा है ये आज भी इतने भव्य जो एक रिचुअल था उसका सेंटर है, एग्जिस्ट करता है उस तरीके से? जो स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो
एरिया है, जो स्पेस है, जो स्ट्रक्चर को घेरे हुए है, अब वो जो है इतना सही नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्रोसेशन आर्म मेन के, वुमेन के, या बहुत सारे एनिमल्स जो है वो वहां पर खड़े हो सके, जैसे बाकी और रॉयल सेंटर के स्ट्रक्चर्स हैं, उस तरह से ये भी एक तरह से रहस्य या पहेली की तरह ही बचे हुए हैं। एक जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो है रॉयल सेंटर में मानी गई है, वो है लोटस महल। ऐसा नाम जो है ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने दिया था 19 सेंचुरी में। अब जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि नेम बहुत रोमांटिक है, लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं वो इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि एक्चुअल में इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था। जो एक सजेशन मिलता है मैप में, जैसा कि मैकेंजी ने बनाया है, वो ये है कि हो सकता है वो एक काउंसिल चैम्बर हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो राजा हैं वो अपने एडवाइजर से मिलते होंगे। ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो सेक्रेट सेंटर में लोकेटेड थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो रॉयल सेंटर में भी लोकेटेड थे। इनमें से जो एक सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, बहुत ज्यादा भव्य सुंदर है, वो है हजारा राम टेम्पल। ये वाला जो है खास तौर से इस्तेमाल करने के लिए था सिर्फ राजा के लिए या उनके परिवार के लिए। इसमें जो सेंट्रल श्राइन में जो इमेजेस थी, मतलब जो मेन मंदिर है उसमें जो इमेजेस थी वो मिसिंग है, लेकिन जो पैनल्स बनाए गए थे जहां पर वो मूर्तियां लगनी होंगी वो सब अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब इसमें जो सीन दर्शाए गए हैं वो रामायण के हैं, जो भी मंदिर के अंदर की दीवारें हैं उसमें जो है ज्यादातर रामायण के दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां एक तरफ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स विजयनगर के जो है खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे जब एक तरह से शहर बर्बाद हो गया, लेकिन जो ट्रेडिशन था कि एक बहुत ही महल नुमा स्ट्रक्चर जो बनवाया जाए वो तब भी जारी रखा गया नायक्स के द्वारा, इसी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो वैसी थी वो अभी भी सरवाइव कर गई। अब हम अगर चट्टान वाला जो इलाका है नॉर्दर्न एंड शहर का, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है, उसकी बात करते हैं। यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है उसके अनुसार जो चट्टानी पहाड़ियां हैं वो जो है वानर राज्य बाली और सुग्रीव का था, जैसा कि रामायण में जिक्र है, उसकी रक्षा करती थी, एक तरह से उनको प्रोटेक्शन देती थी। कुछ और ट्रेडिशन बताते हैं कि जो पंपा देवी थी वहां की लोकल मदर गॉडेस, उन्होंने यहाँ की हिल्स पे काफी तपस्या करी ताकि वो जो है विरूपक्ष से शादी कर सके। विरूपक्ष जो है इस राज्य के एक तरह से गार्जियन देवता माने जाते थे और इनको जो है शिव जी की फॉर्म में भी पहचाना जाता है। आज के दिन भी जो विरूपक्ष टेम्पल है उसमें इस मैरिज को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इन हिल्स में जैन टेम्पल्स भी मिलते हैं जो विजयनगर एम्पायर के पहले से, यानी विजयनगर पीरियड के पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कहने को ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से एक सेक्रेट ट्रेडिशन से भरा हुआ है। मंदिर बनाना जो है इस इलाके का एक तरह से बहुत पुराना इतिहास है। इसके लेकर जो मंदिर बनाए जा रहे थे उसका एक बहुत पुराना इतिहास है। अगर हम पुरानी डायनेस्टीज के बारे में बात करें, जैसे कि पल्लवास, चालुक्यास, हुयसलास, चोलास, तो इन सब का एक इतिहास रहा है। रूलर्स जो है ज्यादातर मंदिर बनाने को बहुत एंकरेज करते थे क्योंकि वो जो है इस तरीके से अपने को भगवान से एक तरह से जोड़ लेते थे। कई बार जो देवी देवता है वो एक राजा के तौर पर पहचाने जाते थे, यानी राजा की तुलना जो है देवी देवता से करी जाती थी। फिर टेम्पल्स जो होते थे वो एक तरह से सेंटर का काम करते थे कि वहाँ लर्निंग होती थी, यानी कि लोग वहाँ पर सीखने आते थे। इसके अलावा जो राजा होते थे या और लोग होते थे वो जमीन दान करते थे या और रिसोर्सेज देते थे ताकि इन टेम्पल्स का मेंटेनेंस किया जा सके। तो एक तरह से जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पर डेवलप हुए थे। अगर रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन जो है उसका रिपेयरिंग करना या मेंटेन करना टेम्पल को, ये सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स माने जाते थे सपोर्ट जीतने के लिए या अपनी पावर को या अपनी धार्मिकता को, अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए कि देखो हम इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते हैं, हमारी ताकत बहुत है। ये भी माना जाता है कि ये जो चॉइस थी विजयनगर की साइड की, ये इससे और ज्यादा प्रभावित थी कि यहाँ पर विरूपक्ष और पंपा देवी के मंदिर थे, तो इसी वजह से इस जगह को चुना गया था। ज्यादातर जो विजयनगर के राज्य के राजा लोग थे वो हमेशा ये क्लेम करते थे कि वो भगवान विरूपक्ष के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। सारे रॉयल ऑर्डर जितने भी साइन होते थे वो श्री विरूपक्ष के नाम से करे जाते थे और ज्यादातर एक कन्नड़ स्क्रिप्ट में होते थे। जो राजा होते थे या जो रूल करने वाले लोग होते थे वो हमेशा अपना बहुत क्लोज लिंक दिखाते थे भगवान के साथ, क्योंकि उनको एक टाइटल मिला हुआ था हिंदू सुरत रन।
इसका मतलब हुआ ये एक अरबिक टर्म होती है सुल्तान, जिसका संस्कृत तरीके से इसको बोला जा रहा है, तो मतलब हुआ इसका राजा। और इसका हिंदी में अगर हम वैसे देखें मतलब क्या हुआ, हिंदू सुल्तान। वैसे तो जो विजयनगर था वो पुराने ट्रेडिशंस जो थे उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन तब भी जो रूलर्स थे विजयनगर के उन्होंने उन्हीं ट्रेडिशंस में कुछ नयापन ढूंढा और फिर उनको डेवलप किया। जो रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स होते थे उनको मंदिर में डिस्प्ले किया जाता था, और जो किंग की विजिट होती थी टेम्पल पे वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन माना जाता था उसको, जिसमें उनके साथ जो नायक होते हैं एम्पायर के वो भी आते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट नायक होते हैं वो भी उनके साथ आते थे। अब इसके बाद जो है गोपुरम्स और मंडप्स क्या है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।